हेलो धरती वासियों, तो कैसे हैं आप लोग? तो गाइस, आई स्टे इन रियाद एज यू ऑल नो, एंड आई एम क्वाइट वेरी टायर्ड फ्रॉम दिस होल शेड्यूल एंड वर्क एंड ऑल. सो आई वांट टू गो समवेयर गुड, समवेयर वेरी इंटरेस्टिंग प्लेस. सो आई डोंट नो वेयर टू गो, बट सीरियसली आई रियली वांट टू गो समवेयर. सीरियसली शिट, व्हाट हैपेंड? ओह, मैं कहाँ आ गया? शिट, ओह माय गॉड. तो एनीवे, कट दिस क्रैप गाइस. मैं हूं अभी दमाम में, और दमाम में आया हूं मैं यहाँ बीचेस देखने और आपको ये दिखाने कि रियाद से कितना सुंदर है दमाम. तो इस वीडियो में मैं आपको दिखाने वाला हूँ आपको कैसे करना है ट्रैवल ट्रेन से फ्रॉम रियाद टू दमाम, या दमाम टू रियाद, आपको कैसे आना जाना है. ट्रेन बहुत ज़्यादा कन्वीनियंट रहती है, तो मैं आपको दिखा देता हूँ कि क्या होने वाला है. बहुत कुछ होने वाला है इस व्लॉग में, तो प्लीज़ पूरा व्लॉग देखिएगा. आई होप आपको पसंद आएगा. यहाँ बहुत सुंदर सुंदर बीचेज हैं, अलखोबर हैं, यहाँ पे बहुत सारी चीज़ें देखने के लिए. तो आई होप आप पसंद आएगा व्लॉग, तो पूरी वीडियो देखिएगा, स्किप मत कीजिएगा, क्योंकि ये ट्रैवलिंग पर्पज़ के लिए आपको बहुत हेल्प करने वाली है. तो अभी मैं हूँ अलॉफ्ट होटल में, और मैं यहाँ से जाऊँगा अलखोबर. चलिए फ्लैश बैक. पहुंच गया हूं मैं, सारा आपने देख लिया. और रेलवे स्टेशन इज लाइक एयरपोर्ट. चल शो यू अंदर से कैसा है यहाँ पर. लेकिन पूरा एयरपोर्ट लग रहा है भाई, ठीक, कितना सुंदर लग रहा है अंदर से, कितना बड़ा भाई है. One hour later. भाई बहुत बड़ी ट्रेजेडी हो गई है यार. It was at this moment that he knew he fucked up. बहुत बड़ी ट्रेजेडी, ट्रेन छूट गई है मेरी. एक्चुअल में क्या हुआ है, जो रेलवे स्टेशन है दमाम का, जहाँ से मुझे ट्रेन मिलती, वहाँ से कुछ नहीं मिला मुझे. वो ट्रेन कसीम जा रही थी, उन लोगों ने लोकेशन मुझे गलत भेजी. तो बहुत बड़ा ब्लंडर हो गया एक्चुअल में. और यहाँ ऊबर नहीं मिल रही है, पिछले एक घंटे से बैठा हूँ मैं. फ्रॉम लास्ट वन आवर आई एम वेटिंग फॉर ऊबर एंड देर इज़ नो ऊबर एनीवे. सीरियसली मैन, एक घंटे से मैं वेट कर रहा हूँ ऊबर का. पहले तो मैं ट्रेन गलत एड्रेस पे आया लेने, वो जो जहाँ से दमाम के लिए ट्रेन जाती है वहाँ से नहीं जाती, कोई अलमलास करके एरिया है वहाँ से जाती है. एंड आई केम टू अनदर एड्रेस विच इज़ टोटली रॉन्ग. एंड फ्रॉम लास्ट वन आवर आई एम वेटिंग फॉर ऊबर टू गो हो टू होम, बट ब्लंडर्स. बट अब ठान लिया है मुझे जाना तो है ही है दमाम. अब तो ये हो गया है कि बस आई हैव टू गो. तो गाइज, दो स्टेशन है यहाँ पे, मेरी तरह गलती मत करना आप कि आप लोग आ रहे हो और यू आर रीचिंग समवेयर एल्स. क्योंकि कुरेज जाती है एक ट्रेन, वहाँ पे आपको गूगल दिखाएगा और ऊबर भी आपको सेम लोकेशन दिखाएगा रेलवे स्टेशन की, बट वहाँ नहीं जाना है आपको, आपको जाना दूसरी जगह. ट्रेन तो छूट गई है, आई विल सी समथिंग एल्स. हेलो गाइज, तो अभी बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम में फंस गया था मैं. एक्चुअल में क्या हुआ था, ट्रेन का जो स्टेशन है दमाम का, वो मैं वहाँ पहुँचा नहीं, दूसरे स्टेशन पहुँच गया और ट्रेन छूट गई मेरी. और मैं कम से कम अभी बज रहे हैं 8:30, तो एक्चुअल में एक घंटा हो गया है मुझे खड़े हुए वहाँ पे. उसके बाद कोई टैक्सी नहीं आ रही थी, कुछ नहीं आ रही थी, फिर मेरे को ऊपर वाले ने इनको भेज दिया. भाईजान, क्या नाम है आपका? आमिर खान. आमिर भाई मिले मुझे वहाँ पे, ये वहाँ काम करते हैं, उन्होंने छोड़ने आए थे किसी को, तो मैंने इनसे लिफ्ट ली और मैं यहाँ आया हूँ. अब मैं यहाँ से टैक्सी लेके जा रहा हूँ दमाम. तो एक्चुअल में इन्होंने टोटली बहुत ज़्यादा हेल्प करी मेरी, पूरा पूरा गाइड करने में हर चीज़ में. बहुत कम लोग मिलते हैं यार ऐसे दूसरी कंट्री में हेल्प करने के लिए. तो आमिर भाई बहुत बहुत धन्यवाद यार आपका, क्योंकि सही बता रहा हूँ, एक डेढ़ घंटा हो गया था मुझे खड़े हुए, ना उबर मिल रही है, ना कोई बोल्ट चल रहा है, मतलब जो वहाँ की लोकल एप्लीकेशन है, कोई नहीं हेल्प कर रहा था. आमिर भाई आए, उन्होंने मेरी हेल्प करी और मैं यहाँ से दमाम से जा रहा हूँ. ट्रेन छूट गई है, अब टैक्सी से जा रहा हूँ मैं दमाम. एनीवेज, बहुत बहुत धन्यवाद आमिर भाई आपका. आई होप आपको व्लॉग पसंद आएगा. अभी दमाम में मिलते हैं आपसे, और बहुत बड़ी ट्रेजेडी हो गई यार सीरियसली. ठीक है, थैंक यू यार आमिर भाई. सो गाइस, फाइनली आई गॉट द कार, द कैब, एंड ही इज गोइंग टू चार्ज मी 150 रियाल, व्हिच आई गॉट इट फ्रॉम बता. तो मुझे यहाँ से पिक किया इन्होंने, मेरी लोकेशन तो जहाँ पे मैं वेट कर रहा था एक्चुअल में. मेरे फ्रेंड ने एक्चुअली नंबर दिया था मुझे बता सेंटर का, सो फ्रॉम देयर आई गॉट दिस कैब. सो
चार्ज कर रहे हैं 150 रियाल एंड ही विल ड्रॉप इट टू द मॉम। सो मैं आपसे यही सजेस्ट करूँगा कि आप कैब से जाइए, बिकॉज रीज़न क्या है, ट्रेन आप पकड़ेंगे अगर घर से तो वो जो रेलवे स्टेशन है आपका जो दूसरा था वो सार वाले, वहाँ पहुँचने के लिए आपको एक्चुअल बहुत दूर पड़ेगा। टैक्सी विल चार्ज अराउंड 50 रियाल 50 पड़ेंगे वहाँ पे, फिर अगेन 150 या 89 समथिंग वो सेम पड़ जाता है आपको। तो कंफर्टेबल क्या रहेगा, आप प्राइवेट कैब में जाइए, चार्ज 150 रियाल। तो गाइस अभी दमाम जाते हुए रास्ते में रुके हुए हैं, अभी यहाँ पे कुछ खाने का सामान ले लेता हूँ मैं। ये ले लिया मैं पोर्ट्रेट, रूम का टूर करा देते हैं। ये चेक इन हो गया है, ये लॉफ्ट की प्रॉपर्टी है बेसिकली मैरिट की। ओके, इतना बड़ा रूम है नहीं वैसे। डियर मेरे बिशी बेस्ट को बिशी कर दिया इन लोगों ने। ये कॉमन चीज़ है, थक गया है बहुत ज़्यादा। और वॉशरूम दिखा देता हूँ आपको, बेसिक काइंड ऑफ वॉशरूम, सो इतना कुछ है नहीं। जरा मैं हाय एनीवे अभी देख लेते हैं, तैयार हो लेते हैं फिर देखेंगे, घूमने जाना है, दांतों की सफाई करानी है, बहुत काम है यार। गाइस घूमने जाएंगे थोड़ी देर में, ठीक है, तो अभी तक सो लेते हैं फिर देख लेंगे। चलिए ओके, अभी रेडी हो गया हूँ मैं सो के 1.5-2 घंटे और अभी मैं जा रहा हूँ बीच, तो चलिए चलते हैं। सो गाइज राइट नाउ आई एम इन अलखोबर और फ्रॉम द माम इट इज़ 1/2 आवर डिस्टेंस। बहुत ज़्यादा भीड़ हो रही है, सो मैनी पीपल आर हेयर। बहुत सुंदर है अभी, एक्चुअली दिस इज़ अभी नवंबर चल रहा है, नवंबर एंड, सो सर्दियों का माहौल चल रहा है। बहुत ज़्यादा सुंदर है यार अलखोबर, मीन्स पीपल आर ऑल्सो गुड, एरिया इज़ ऑल्सो वेरी गुड। यहाँ बेसिकली आप नहा नहीं सकते, बीच में ओपन नहीं है, बट इट इज़ गुड। बाकी नज़ारा देख लिया आपने क्या है कैसा है, बहुत सुंदर, लिटरली इट्स वेरी ब्यूटीफुल। और पीपल आर एंजॉइंग, शाम का टाइम है एंड इट्स वेरी ब्यूटीफुल, ट्रस्ट मी। पूरा बीच है, एक किलोमीटर का एरिया है वो पूरा रनिंग के लिए। तो अगर आप रियाद से आ रहे हैं, आई टोल्ड यू, बाय कार आ सकते हैं, बाय बस आ सकते हैं। और बहुत सुंदर है यार, लिटरली इट्स वेरी प्रिटी, इट्स वेरी प्रिटी। बहुत ज़्यादा भीड़ हो रही है। तो ये आपका एक्चुअल दमाम से 1/2 घंटे का रास्ता है, अलखोबर पास ही है, कहने को एक अलग सिटी है बट इट्स वेरी नियर। सो सी यू गाइस, बाय बाय। द नेक्स्ट डे लेटर। हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग। तो क्या चल रहा है अभी, कल मैं गया था बीच अलखोबर में बीच में, और उसके बाद फिर मेरा प्लान था जाने का, लेकिन भीड़ उतनी हो रही थी कि मैं गया नहीं। तो मेरे जितने दोस्त थे सब मना कर रहे थे कि भाई बहुत भीड़ हो रही है, और कल फ्राइडे था तो मैं नहीं जा पाया हूँ। आज अभी मेरा डेंटिस्ट अपॉइंटमेंट है, उसके बाद मैं ट्रेन से जाऊँगा रियाद। तो गाइज़ आपको कुछ नहीं करना है, आपको गूगल खोलना है, एसआर की आपको यहाँ पे लिंक दे दूंगा मैं, इसी को आपको ओपन करके यहाँ पे बुकिंग स्टार्ट करनी है। तो ऐसा कुछ इंटरफेस आएगा, आपको जाना कहाँ से, आपको सब सारे स्टेशन दिखाई देंगे यहाँ पे, रियाद दमाम वगैरह कहीं से। मैंने यहाँ से दमाम डाल दिया है, यहाँ से रियाद डाल दूंगा मैं अभी। दमाम से सिर्फ 3 ही जगह यहाँ से ट्रेन जाती है, आप यहाँ पे सर्च करेंगे तो उसके बाद ये थोड़ा लोड होने में टाइम लगाएगा, अभी भी लगा रहा है,
ओके नाउ यहाँ पे सिंपल सा इंटरफेस है, जैसे आप कहीं से बुकिंग करते हैं, आपको कब जाना है, आप रिटर्न डाल सकते हैं, आप कितने जने जा रहे हैं, आप कहाँ जा रहे हैं, सारा डाल के यहाँ पे नेक्स्ट करेंगे, आप कितने एडल्ट जा रहे हैं। अभी टिकट देख लेते हैं अभी कितना दिखा रहा है, जैसे अभी मैं मार्च में सर्च कर रहा हूँ इसको, आपको दिखा रहे हैं यहाँ पे 105 सार दिखा रहा है इकोनॉमी का, 170 दिखा रहा है आपका बिजनेस क्लास का। तो ये है आपका रियाद से दमाम के लिए और दमाम से रियाद के लिए, तो प्राइस ऑलमोस्ट सेम ही रहती है रियाद से दमाम की। और आप रिटर्न भी जाएंगे तब भी सेम ही दिखेगा, यहाँ पे थोड़ा आपको ये दिखाएगा तबकलना वगैरह का कि आपको करना है, बस यही है। तो बस ये सिंपल सा इंटरफेस है, आपको ये नॉर्मल जैसे बुकिंग होती है वैसे ही है। वेबसाइट का लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। मैंने अभी आपको बताया बुकिंग बहुत ज़्यादा ईजी है, बस ट्रेन मिस मत करना और राइट स्टेशन पर जाना। तो अभी डेंटिस्ट अपॉइंटमेंट है, चलते हैं उसके बाद दिखाते हैं, अभी मैं ये लॉफ्ट में रुका हुआ हूँ। चलिए बाय बाय। गाइस अभी वेट कर रहा हूँ मैं हूँ अभी दोहा मेडिकल स्टेशन पे। ओके तो अभी मैं वेट कर रहा हूँ, अभी लेट्स सी क्या होता है। दिस इज द चेयर व्हिच आई एम गोइंग टू सिट। तो गाइज मैं आपको बोर नहीं करना चाहूंगा अपने डेंटल ट्रीटमेंट के चलते, तो इसको जल्दी से मैं फास्ट फॉरवर्ड कर देता हूं। सो गाइज अभी स्केलिंग हो गई है, पॉलिशिंग भी हो गई है, अभी 5:30 बजे की ट्रेन है मेरी, तो मैं ट्रेन का दिखाता हूं आपको कैसा है। अभी तक का ये एंड हो गया। गाइज मैं दमाम स्टेशन पहुंच गया हूं और एक ही स्टेशन है यहां पे, कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। जैसे रियाद में हो गए थे हम कंफ्यूज, बहुत सुंदर स्टेशन है यार, इट्स रियली प्रिटी। आगे देखो कितना सुंदर लग रहा है देखने में, सीरियसली। ये देखो यही है ट्रेन, ये दमाम आ रही है मेरे ख्याल से, अभी आई है और ये जा रही है रियाद। यार बहुत सुंदर लग रहा है रेलवे स्टेशन, ये रही ट्रेन, आपको आगे से दिखाता हूँ कैसी लगती है, ठीक है। अपूर्व भी जाती है ये, चार स्टेशन है वो मैं दिखा दूंगा आपको। चलो यहाँ से चलते हैं, 47 है मेरा, E47। हाँ यही है, दिस इज अ ट्रेन गाइज, E47। इंडिया में क्या होता है, इंडिया में इतनी चौड़ी रहती है ट्रेनें, इतनी मैक्सिमम इतनी चौड़ी, इतना जो एरिया है ये एक्स्ट्रा है, मतलब पूरे प्लेन वाली सीटिंग दे रखी है। वॉशरूम देख लेते हैं, वॉशरूम है सेम, वॉशरूम तो सेम ही है यार, छोटा सा ऑप्शन। क्या बात है, इस बटन से बंद हो जा रहा है गेट अपने आप, देख रहे हो कैसे खुल रहा है कैसे बंद हो रहा है, सही है यार, मस्त है। अच्छा ये बैग रखने के लिए। सो गाइस ट्रेन अभी हफूफ पहुंची है, और देखो अरेबिक में लिखा है, अभी इंग्लिश में आएगा। Many hours later. So guys, मैं रियाद रेलवे स्टेशन पहुंच गया हूँ, जरा रेलवे स्टेशन। 3 से 4 घंटे लगे, डिटेल्स मैं बता देता हूँ आपको क्या था कैसा था, लेकिन ट्रेन बहुत सुंदर है यार, बहुत सुंदर लग रही ट्रेन। सो गाइज मैं अभी दमाम से आ गया हूँ, अभी मैं टैक्सी में बैठा हूँ, अभी आधा घंटा और लगेगा मुझे पहुँचने में। तो यूजुअली मैंने जैसे बताया आपको, डिटेल्स इतना कुछ है नहीं, आप कैब से भी जाएंगे उतना ही पड़ेगा, आपको ट्रेन से भी उतना ही पड़ रहा है। बस ये है ट्रेन, आपको थोड़ा ट्रेन का आपका एग्जैक्ट टाइमिंग है, कैब में आपको मिसअप नहीं हो सकती, कभी भी टायर पंचर हो गया या कुछ भी हो गया तो दिक्कत होती है उसमें, ट्रेन में आपका फिक्स टाइमिंग है, इतने बजे तक आप पहुंच जाएंगे। तो आई होप आपको वीडियो पसंद आएगी, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर देना, और माइट भी इसके आगे अभी मैं ब्लॉग डालने वाला हूँ तमाम के, ठीक है, टिल देन बाय बाय।